लो ये क्वेश्चन देखो देखो, ये बोल रहा है एक लोड सप्लाई किया, एक सप्लाई से एक लोड कनेक्ट किया गया, ठीक है, और पावर फैक्टर मेजर किया गया सीटी और पीटी से। यहाँ तक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सप्लाई और लोड के बीच में करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाया गया है, ठीक है, और पावर फैक्टर मेजर किया गया है। पावर फैक्टर 0.5 मेजर हुआ है सीटी और पीटी दोनों से, ठीक है। अब ये बोल रहा है एक फेस एंगल एरर आई सीटी में 0.4 की और पीटी में 0.7 की, तो पूछ रहा है पावर फैक्टर ऑफ द लोड क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी सीटी और पीटी की सेकेंडरी है ना, वो पावर फैक्टर रीड करती है ना, उसमें एरर आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि जो सेकेंडरी है उसमें या तो रिले कनेक्टेड होती है या फिर कनेक्टेड होते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट, और सेकेंडरी भी अपन को पता है करंट ट्रांसफॉर्मर में बर्डन भी लगा हुआ होता है, ठीक है, तो इस वजह से एरर आती है। तो देखो पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी साइड सीटी और पीटी के 0.5 है। अब अपन को पता होता है पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई इक्वल्स टू 0.5 है, तो फेज एंगल कितना आएगा, वो आ जाएगा अपना कॉस इनवर्स 0.5, ठीक है। यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 60 डिग्री होता है। अब फेज एंगल एरर कितनी है, 0.7 डिग्री पीटी में और 0.4 डिग्री सीटी में, तो अपन इनको टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1.1 टोटल फेज एंगल एरर आ गई, ठीक है। और ट्रू वैल्यू ऑफ फेज एंगल कितनी थी, 60, तो अंतर, तो जो अपना टोटल है फेज एंगल वो कितना आ गया, अब 60 प्लस 1.1, ठीक है, वो 61.1। तो अपन पावर फैक्टर निकाल सकते हैं वापस से, पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, और फाई अपना कितना निकला, 61.1, तो कॉस 61.1, ठीक है। तो ये देखो ये आंसर आ जाएगा कॉस 61.1। ये आसान सा न्यूमेरिकल था, ये बताना पड़ा, बीच में आ गया इसलिए। थैंक यू।